भारतवर्ष में 74वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन होने के साथ ही जीवनदायिनी गंगा नदी के सेहत को ठीक करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। वहीं रिवर इकोलॉजी पर हुए मंथन का सकारात्मक नतीजा भी 74वें स्वाधीनता दिवस पर सामने आया। ये भी सच है कि गंगा को साफ करने के लिए हमें पहले जल जीव को संरक्षित करना होगा। इसी कड़ी में ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गंगा नदी में पाई जाने वाली राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन्स को संरक्षित करने के लिए डॉल्फिन सेंचुरी की विशेष घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक घोषणा के बाद बक्सर के बटेश्वर स्थान कहलगांव तक की गंगा डॉल्फिन सेंचुरी में शामिल हो गई है। वहीं भागलपुर में अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज से बटेश्वर स्थान कहलगांव तक करीब 60 किलोमीटर का यह क्षेत्र में पूर्व में भी विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन आश्रयणी क्षेत्र घोषित है। यहाँ डॉल्फिन को पकड़ना या मारना वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत जघन्य अपराध है। और आज पीएम ने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए ही डॉल्फिन सेंचुरी की घोषणा की है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। नदियों में, समंदर में रहने वाली दोनों तरह की डॉल्फिन्स पर हम फोकस करेंगे। इससे बायोडायवर्सिटी को भी बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र होता है, तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। सेव डॉल्फिन की घोषणा से पर्यावरणविद काफी उत्साहित है। वर्षों से उनका अनवरत जारी परिश्रम और सपना साकार हो गया। वहीं इस दौरान पर्यावरणविदों की घोषणा के साथ ही बांछे खिल गई। इस संबंध में पर्यावरणविद डॉल्फिन मैन एवं वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री का डॉल्फिन संरक्षण की घोषणा से गंगा नदी में पलने वाले संपूर्ण जल जीव को फायदा होगा। यही नहीं, इस मुहिम से आवश्यक रूप से गंगा पुनर्जीवित हो सकेगी। उन्होंने युवाओं से भी लैब में पसीना बहाने के साथ साथ गंगा और उसमें पलने वाले जल जीवों की रक्षा के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लैब में कार्य करने वाले युवाओं की अच्छी संख्या है, जो प्रशंसनीय भी है, लेकिन नदी नहरों पर अध्ययन करने वाले युवाओं की किल्लत है, जबकि इस क्षेत्र में मौका भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच ये भी सत्य है कि गंगा ना हिंदू के लिए है और ना ही मुस्लिम के लिए, बल्कि यह जीवनदायिनी है और इसे स्वच्छ रखने के लिए जलीय जीव काफी महत्वपूर्ण है। कि लाल किले के प्राचीर से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये उद्घोषणा की है कि टाइगर प्रोजेक्ट के तर्ज पे टाइगर प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है गैंगेटिक डॉल्फिन की शुरुआत जो है सो की होगी भारत में। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण उद्घोषणा है और इसके पीछे आप देखेंगे तो इनफैक्ट जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसकी कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने अनुशंसा की थी कि टाइगर प्रोजेक्ट के तौर पे ये जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाए और 10 साल के लिए एक प्रोजेक्ट जो है बनाया जाए। तो और ये काम भारत सरकार ने जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून को दिया है और उसने काम भी शुरू कर दिया है कि प्रोजेक्ट जो है सो कि पहले फॉर्मुलेशन किया जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी है। क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 का एक नेशनल कंजर्वेशन एक्शन प्लान बना था और अब जो है 2020 से 2030 तक का जो है नेशनल कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है बनने की बात है। खुशी है कि मेरे जैसे और भी लोग जो काम करते रहे हैं और पिछले 20 साल से हम लोगों का दल काम करते रहा है, तो जब हमने काम शुरू किया था तो डॉल्फिन के महत्व को बहुत कम लोग समझते थे या इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी जागरूकता ना तो थी आम स्टेक होल्डर्स में। और आज ये स्थिति है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं तो बड़ा संतोष हम लोगों को होता है कि इतने दिनों तक जो काम किया तो उसका प्रतिफल है कि आज ये राष्ट्रीय फलक पर मुख्य रूप से ये प्रोजेक्ट जो है सो कि आया है। 17 अगस्त को होने वाली अंग जनपद का महापर्व विशहरी पूजा का उद्गम स्थल चंपा नगर में बड़े ही धूमधाम एवं भव्य रूप से मनाया जाता है। ये पूजा लोक गाथा पर आधारित प्रतिमा को एक स्वरूप देकर किया जाता है। इस मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा चंपा नगर अवस्थित मां मनसा की पूजा आराधना के साथ साथ फल फूल से सुसज्जित डालिया भी चढ़ाया जाता है
और भव्य रूप में मेला का आयोजन किया जाता है। मनसा पूजा में मां विषहरी की पूजा आराधना की जाती है। इस संदर्भ में डॉक्टर ज्योतिष चंद्र शर्मा ने इस पूजा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। पूजा कहीं मानस मंगल, कहीं बिरला गाथा, कहीं बिरला विषहरी भसान के नाम से गाई जाती है। कहा जाता है कि जहां तक यह ऐतिहासिक प्रश्न है, यह गाथा इसलिए हम लोग मानते हैं कि यह 7वीं-8वीं शताब्दी की गाथा है, इसलिए कि चंपा में जो विषहरी मंदिर के द्वारखंड, प्राचीन द्वारखंड मिले हैं, वो 7वीं और 8वीं शताब्दी का अलंकरण, उसमें नाग अलंकरण है और वो ग्रेनाइट पत्थर पर, जो कि भागलपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। टेराकोटा सील मिले हैं और विषहरी का टेराकोटा फ्लैग मिला है और यह मैंने स्वयं उपलब्ध करा करके जगह जगह से और भागलपुर में के संग्रहालय में दिया है और मेरे पति भी जिंदा हों, इसलिए वह डोमिन का स्वांग धर करके चंपापुरी आई थी और सूप बेचती हुई वह आई और इसी क्रम में जब चंद्रधर सौदागर से वह के दरवाजे पर से पार कर रही थी, उसके ड्योढ़ी पर से चंपा की गली में, तो चंद्रधर सौदागर को उसकी जितनी भी 6 पुतहु थी, 7वां तो बिरला स्वयं थी, 6 पुतहु थी, वह कही कि यह बिरला ही लगती है, उसी की आवाज है और यह डोमिन आखिर डोमिन बन ही गई। इस पर चंद्रधर सौदागर बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि अब तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको मैं अपने प्रहार से, डंडे के प्रहार से तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा जिससे मेरी इज्जत बचे। और वह जयू प्रहार करने के लिए उस पर उठता है, शिव का आकाश से वाणी आती है कि चंद्रधर सावधान, यही बिहला है जो तुम्हारे 6 भाई को स्वर्ग से जिला करके और स्वयं बाला को जीवित करके लाया है, इसलिए यह देवी है और सती के नाम से चंपा में यह जानी जाएगी। विषहरी पूजा होती है और विषहरी की पूजा, प्रथम पूजा चंद्रधर ने दिया और बाद में उसी के रूप में ये सिंह नक्षत्र के का जिस दिन प्रवेश होता है वह 16 और 17 अंग्रेजी तारीख होता है और उस दिन से चंपापुरी में विषहरी पूजा प्रारंभ हुई और अब यह पूजा चंपा से होते हुए अंग प्रदेश और अंग प्रदेश से होते हुए यह मगध, बंगाल और असम और उड़ीसा तक प्रचलित हो गई है। वहीं इस वर्ष कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए मां मनसा देवी की मंदिर को आम भक्तों के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर प्रशासन ने 16 अगस्त से 18 अगस्त तक मंदिर के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। मां मनसा की पूजा औपचारिक रूप से केवल मंदिर के कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में मां मनसा देवी पूजा समिति के अध्यक्ष संजय लाल ने कहा कि इस बार कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए और सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार इस बार आम भक्तों के लिए मां मनसा देवी का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। लोक आस्था का पर्व जो है मनसा देवी पूजा, भागलपुर की ये उद्गम स्थल है, उत्पत्ति जिसको कहा जाए, और ये सरकार के आदेशानुसार जो अभी लॉकडाउन का पालन करते हुए मेरे मंदिर समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि सिर्फ जो है मंदिर में जो पूजा का विधि विधान है सिर्फ उसी का निर्वहन करना है और जो है बाहरी दोनों गेट मेरा बंद रहेगा। किसी भी धार्मिक श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश की इजाजत भी नहीं है, पूर्ण लॉकडाउन का पालन किया गया है और बाहर से ही प्रणाम करके जाएंगे, अंदर आने की अनुमति ही नहीं है कि मंदिर का भी दर्शन कर सके।
वहीं मंदिर के पुजारी ने कहा कि इस बार सिर्फ विधि विधान के साथ सरकारी पूजा यानी पूजा समिति के द्वारा किया जाएगा। मैं मुख्य पुजारी मनसा मंदिर का हूँ और जितने विधि विधान के अनुसार जो भी पूजा होगा वो हमारे द्वारा होगा। पूजा से करके सब काम करते हुए मंजूषा वगैरह का पूजा करके निर्वित कर देना है। किसी श्रद्धालु के लिए मंदिर नहीं खुला हुआ है, मंदिर का पट चारों तरफ से बंद है और सिर्फ जितना भी हमारी संस्था जो बनाए हैं नियम को, उस नियम को निभाना है और पूजा टोटल हमें करना है। वहीं दूसरी ओर अंग प्रदेश के प्रसिद्ध त्योहार बिहुला विषहरी को लेकर भागलपुर के अलग अलग गंगा तटों पर गंगा स्नान कर श्रद्धालु अपने सर पर गंगा जल का पात्र लेकर अपने अपने पूजा स्थल पर जाते दिखे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर संक्रमण को बढ़ाने वाली है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण जरूरतमंद लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए भारत विकास परिषद भागलपुर की सत्यम शाखा एवं जीवदया फाउंडेशन के द्वारा दिव्यांग लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। फाउंडेशन के द्वारा दर्जनों दिव्यांग को चावल, आटा, दाल, चना, नमक, आलू, प्याज, तेल, सोयाबीन के पैकेट का वितरण किया गया। सेवा कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिषद के सदस्यों के द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संरक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर शाह, अध्यक्ष रतन संथालिया, सचिव शंभू प्रसाद भगत, डॉक्टर मनीष जालान, अशोक जीवराजिका, विकास झुंझुनवाला, प्रवीण राम, अजीत जैन, रघुनंदन चौरसिया, पंकज टंडन सहित कई लोग मौजूद थे। जीव दया फाउंडेशन के तरफ से हम लोगों को 70 पॉकेट 25-25 किलो का एक अनाज वितरण का कार्यक्रम है। इसके अंदर हम लोग चावल 10 किलो, सरसों तेल आधा किलो, नमक 1 किलो, देसी चना 1 किलो, चना दाल 1 किलो, सत्तू आधा किलो और सोयाबीन 1 किलो और आटा 5 किलो और आलू और प्याज का वितरण हम लोग कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा के द्वारा कोरोना जांच आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण से किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपना कोरोना जांच कराया। आयोजक भाजपा नेता बंटी यादव ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डॉक्टरों की टीम के द्वारा लैब टेक्नीशियन की मौजूदगी में लोगों का कोरोना जांच की शुरुआत कराई गई है। पार्टी का लक्ष्य है कि जिले के हर एक व्यक्ति का कोरोना जांच हो जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके। अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पे कोरोना की जांच आपके द्वार का कार्यक्रम का शुभारंभ उनकी पुण्यतिथि पे ही किया जा रहा है। यहाँ कोरोना का जो जांच है उसकी रिपोर्ट आपको तुरंत रैपिड टेस्ट के द्वारा किया जा रहा है और तुरंत आधे घंटे में बता दिया जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि पीएससी और सदर अस्पताल की व्यवस्था सरकार ने बनाई, उसके साथ मोबाइल जो जांच शिविर की भी व्यवस्था बनाई है, स्वास्थ्य विभाग के इस सुविधा को हम जन कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर वार्ड यह कार्यक्रम हो, हर गली में कार्यक्रम हो, हर विधानसभा में। मेरा प्रयास है कि भागलपुर लोकसभा के हर विधानसभा में इस व्यवस्था को अपने टीम के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के बैनर के द्वारा ये कार्यक्रम को कोरोना जांच आपके द्वार का जो कार्यक्रम एक स्लोगन मैंने निकाला, हम लोगों ने बनाया है, इसको चलाते हुए इसका आज सिर्फ शुभारम्भ हम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भागलपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे अर्जित शाश्वत के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में शामिल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री
आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आज हम लोग अपने युवा नेता अजीत शास्त्री जी के आवास पर इनका पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम लोग मना रहे हैं। मित्रों, अटल जी की शालीनता, अटल जी की कार्यशैली, अटल जी का नेतृत्व और शासन चलाने की क्षमता आप सबको पता होगा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को उनके साथ रहने का भी मौका मिला है। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री से पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त शराब को नष्ट नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि जब्त शराब जिस भी राज्य से लाया गया हो वहां वापस कर उससे जो राजस्व की प्राप्ति हो उससे गरीब को राशन और युवाओं के रोजगार सृजन में लगाई जाए। विधायक ने कहा कि शराबबंदी के बावजूद प्रत्येक जिले में महीने में करोड़ों का शराब को पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़ा जाता है और उसके बाद जब्त शराब का बंदर बांट भी होता है और शेष शराब को सरकार के द्वारा पारित आदेश के अनुसार नष्ट कर दिया जाता है। अगर जब्त शराब को जिस राज्य से शराब लाया जाता है वहां बेच दिया जाए और उससे प्राप्त राजस्व को गरीबों के विकास और युवाओं के लिए उद्योग धंधे लगाए जाने में सृजन किया जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि शराब के खेप बड़े बड़े ट्रकों में पकड़े जा रहे हैं और कर क्या रही है पुलिस, पूरे उस शराब को नष्ट किया जाता है। आखिर उसको खरीदने में तो बिहार के जनता का पैसा लगता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ, सारे पुलिस महकमा शराब पकड़ने में लगी हुई है और शराब अगर महीने में 4 करोड़ का पकड़ाता है तो 1 करोड़ दिखाया जाता है, 3 करोड़ दिखाया नहीं जाता। 1 करोड़ जो पकड़ाता है वह भी उसको नष्ट कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, जो आप शराब का खेप नष्ट करते हैं उसको आप नष्ट मत कराइए, उसको आप झारखंड और बंगाल जहां से आया है वहां उसको वापस करके उसकी कीमत राजस्व को वापस लाइए और राजस्व में जमा करके आप उससे गरीबों को राशन दे सकते हैं और उससे आप इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं और इंडस्ट्री लगाने से युवकों को रोजगार मिलेगा।